वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू वन एकेडमी। ओके, सो ऑडियो वीडियो आई थिंक क्लियर है ना? तो वी विल डू टुडे इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो पूरा टॉपिक करेंगे इन्फ्लेशन वाला। जल्दी से लाइव आ जाइए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को प्लीज। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और डेली फ्री क्लासेस अपडेट्स। इसके अलावा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स मिलते हैं और इनको ऑप्ट करने से आपको दोनों पेपर्स कंप्लीट, पेपर वन के मल्टीपल एजुकेटर्स और मल्टीपल कोर्सेज के साथ। अगर आप प्लस ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। और अगर आप आइकनिक ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन, स्टडी मटेरियल, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए प्लस एंड आइकनिक के सब्सक्रिप्शन रेट्स। और ये आपको नो कॉस्ट EMI पर भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे आपको मेरा कोड यूज करना है Simmer10 एंड यू विल गेट इंस्टेंट 10%। ठीक है, ये मेरा कोड है, इसे यूज करने से आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा अपने अकेडमी की हर तरह की सब्सक्रिप्शन। ये मेरे कोर्स हैं, ये कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है अगर आप प्लस या सब्सक्रिप्शन। और ये सभी कोर्सेज आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में जी। दिस इज बग्स बाउंटी प्रोग्राम, यू कैन रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। तो लेट स्टार्ट द सेशन। एक बार बता दीजिए प्लीज सबको, एकदम ऑडियो वीडियो क्लियर से आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं, ऑडियो प्रॉपर आ रही है? यस स्टूडेंट्स प्लीज टेल। तो देखिए सबसे पहले इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की टर्म जो है ये सबसे पहले न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन की। और एक चीज याद रखिएगा, जो इन्फ्लेशन होता है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, जो लगातार होता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि थोड़े से प्राइजेस बढ़े और हमने कह दिया इन्फ्लेशन आ गया। नहीं, जब लंबे टाइम से प्राइजेस बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जो केन्स है, केन्स ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन का कारण है ना वो डिमांड है, और उसने कॉस्ट साइड को पूरी तरह से इग्नोर किया है। उसने कहा है कि डिमांड इज द ओनली कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके अलावा फ्रीडमैन ने एक डेफिनेशन दी है। फ्रीडमैन ने कहा है कि इन्फ्लेशन एक पूरी तरह से मॉनेटरी फेनोमेनम है। क्या है? मॉनेटरी फेनोमेना। तो शैपिरो ने जो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन दी है उसमें उसने कहा है कि परसिस्टेंट, लगातार, परसिस्टेंट मतलब लगातार, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो उसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो सैमसन वही चीज सेम, राइसिंग जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, सो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट के वर्ड्स की अलग अलग डेफिनेशन। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेशन की टाइप्स होती हैं, जैसे क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन है। देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इसका मतलब होता है कि प्राइजेज में एनुअल इंक्रीज 3% से कम। ठीक है, जो बहुत ही कम रेट पर जब प्राइजेस बढ़ते हैं ना, जैसे सांप रेंगता है, क्रीपिंग, ठीक है, तो बहुत ही धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हम उसे बोलते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन, जब हम चलते हैं, हमारी चलने की स्पीड थोड़ी सी क्रीपिंग की स्पीड से फास्ट होती है ना, रेंगने की स्पीड से। सो वॉकिंग इन्फ्लेशन थोड़ा सा क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है।
जब हम भागते हैं तो हमारे भागने की स्पीड हमारे चलने की स्पीड से ज्यादा होती है, ठीक है? तो वो इन्फ्लेशन थोड़ा सा वॉकिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है, 10 to 20%। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा। सो हाइपर इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा होता है जब इन्फ्लेशन रेट 20% से भी ज्यादा आ जाए, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जब आपको सड़कों पर नोट गिरे हुए नजर आएंगे, ठीक है, या पैसे की वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो आपको इसे इस तरह से याद रखना है, क्रीपिंग का मतलब रेंगना, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा रेंगता है। तो वॉकिंग, वॉकिंग क्रीपिंग से फास्ट होती है, रनिंग वॉकिंग से फास्ट होती है, और हाइपर सबसे फास्ट, ठीक है? तो उसके बाद देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है ये होता है अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाए, अगर एग्रीगेट सप्लाई कम होती जाए, तो इससे क्या कि डिमांड बढ़ने से जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है? तो ये चीज है। तो फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम वेज पुश या प्रॉफिट पुश भी बोलते हैं। वेज पुश दैट मीन्स टू से कि जब ट्रेड यूनियंस के प्रेशर के कारण जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको वेजेस बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, एम्प्लॉयज की। तो वो वेजेस बढ़ाने से, अब अगर उन्होंने वेजेस बढ़ा दी तो एम्प्लॉयर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भुगतान वो कहाँ से करेंगे? चीजों का प्राइजेस बढ़ा, ठीक है? सो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि वेजेस बढ़ाने के कारण उनको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और इसका भुगतान करने के लिए उनको प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? और एक होता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट पुश कि जब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा दें, मार्जिन बढ़ा दें अपने प्रॉफिट का, ठीक है? तो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा देंगे तो प्राइजेस बढ़ेंगे, तभी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, ठीक है? तो दिस इज मतलब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में दोनों आते हैं, वेज पुश भी एंड प्रॉफिट पुश भी, ठीक है? तो एक होता है ओपन इन्फ्लेशन, जिसपे गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, अपने आप मार्केट फोर्सेस ही इन्फ्लेशन को ठीक करती हैं, लेके आती हैं, ठीक है? तो ओपन इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं। एक होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब है जिसपे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कि जब इन्फ्लेशन आया तो जल्दी से गवर्नमेंट ने उस पर काबू कर लिया, ठीक है? फिर होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों इकट्ठे आ जाए, मतलब इकॉनमी में बेरोजगारी भी बढ़ गई और इन्फ्लेशन भी आ गया और जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो गई। ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो गई, सो दिस विल बिकम स्टैगफ्लेशन, क्लियर? फिर एक कंसेप्ट होता है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब होता है मनी की परचेजिंग पावर का डिक्लाइन होना इन्फ्लेशन के कारण। दैट मीन्स टू से देखिए जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो प्राइजेस बढ़ने से लोगों की रियल इनकम कम होती है ना, तो प्राइजेस बढ़ने से वो पहले से कम खरीदारी कर पाते हैं। सो ये उनको एक सेक्रीफाइस देना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए पहले उनके पास 100 रुपया था और 100 रुपये में वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के 10 यूनिट्स खरीद रहे थे। अब प्राइजेस बढ़ गए, प्राइजेस बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अब वो 100 रुपये में उस कमोडिटी के सिर्फ 8 यूनिट्स खरीद पा रहे। तो ये 2 यूनिट्स उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिए, है ना? क्यों सेक्रीफाइस किए? क्योंकि उनकी रियल इनकम कम हो गई। तो दिस इज द इन्फ्लेशन टैक्स। दैट मीन्स कि जो परचेजिंग पावर का सेक्रीफाइस करना पड़ा है कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, उन्हें एक टैक्स, इनडायरेक्टली टैक्स ही तो देना पड़ रहा है ना। इन्फ्लेशन बढ़ा तो उनकी रियल इनकम कम हो गई, तो उनकी रियल इनकम पर एक टैक्स लग रहा है, सो उसे हम इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं, ठीक है? सो इट इज सेक्रीफाइस बियर बाय द पीपल ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है? सो यहां तक सभी को क्लियर है? फिर आगे हम और कंसेप्ट भी थोड़े से पढ़ते हैं इन्फ्लेशन के। Everything is clear till that point. तो आगे देखिए इन्फ्लेशन यहाँ पे साइनोरेज एक टर्म है, इससे आपको एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि साइनोरेज क्या है। साइनोरेज का मतलब होता है द रेवेन्यू रेज्ड थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी। मनी प्रिंट करने, जब हम मतलब पैसा छापते हैं तो पैसा छापने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। कैसे? देखिए
क्या होता है कि अगर अगर मान लीजिए एक पैसा, एक 2000 का नोट है, उसकी फेस वैल्यू में और उसकी असल कीमत में डिफरेंस होता है। 2000 के नोट पर शायद 100 रुपया लगाओ, ठीक है, बट उसका जो ओरिजिनल रेट है वो 2000 है ना, तो उसकी फेस वैल्यू में और उसकी असल जो वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस है। देखिए कॉस्ट है और उसकी जो फेस वैल्यू है, तो ये चीज जो है, यही चीज साइन ओरेज है, ठीक है। तो दिस इज द रेवेन्यू रेज थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी, मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है ना, यहाँ से तो गवर्नमेंट को कमाई हुई ना, तो दिस इज साइन ओरेज। क्लियर हुआ? इन्फ्लेशन टैक्स मैंने आपको अभी समझा दिया। तो फिर आता है द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व, ये भी आपको पता है। ये इक्वेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, दैट इज टू मच मनी चेजिंग आफ्टर टू फ्यू गुड्स, दैट मीन्स कि हम बहुत सारे पैसे से बहुत कम गुड्स खरीद पा रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि पैसा बहुत ज्यादा है बट हम उनसे गुड्स बहुत कम खरीद पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन आया है, ठीक है। तो फिर आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन कंसीडर्स ऑल द प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हम ऐड करते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन होता है इसमें हम कुछ कमोडिटीज के प्राइजेस ऐड नहीं करते, जैसे जो टेम्परेरी प्राइजेस होते हैं जिन चीजों के, जैसे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, फ्यूल आइटम्स के, इन चीजों के ना प्राइजेस टेम्परेरी होते हैं। दैट मीन्स टू से कि इन चीजों के जो प्राइजेस हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्यूल आइटम्स है ना, इन चीजों के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन में इन चीजों के प्राइजेस आते हैं जिनके जिनके प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब इनको हम ऐड नहीं करते बट हेडलाइन में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी कमोडिटीज आती हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में हम उन कमोडिटीज के प्राइजेस ऐड नहीं करते जिनके प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद आता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश किसके द्वारा हुआ है, याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा इंडेक्स किसने पब्लिश किया है। तो द नेक्स्ट इज CPI। CPI किसने पब्लिश किया, पब्लिश बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो दोनों में इस, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हुआ है, और ये जो है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, द टर्म इन्फ्लेशन वॉज कॉइंड बाय एक्सटर्न। तो इन्फ्लेशन की जो टर्म है ये सबसे पहले एक्सटर्न ने कॉइन की थी 1981 में, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12th वाला देखिए। अंडर इन्फ्लेशन डेप्टर्स आर गेनर्स एंड क्रेडिटर्स आर लोसर। जब जब इन्फ्लेशन आता है तो जो डेप्टर्स होते हैं ना उनको गेन होता है, बट जो क्रेडिटर्स जो देने वाले होते हैं वो लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने लोन ऑलरेडी लिया हुआ है, पे करने के टाइम पर अगर इन्फ्लेशन आ गया तो रियल वैल्यू उसकी कम हो गई ना, तो दैट मीन्स डेप्टर्स को काफी गेन हुआ है और क्रेडिटर्स जो है उनको लो। ये बात समझे हो ना, याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, दोज हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आर लूजर्स। मतलब जिन लोगों ने अपना जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो उनको लॉस होता है। बट जिन्होंने अपना कैपिटल ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के शेयर में लगाया होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के शेयर में लगाया होता है, वो गेन करते हैं इन्फ्लेशन के, ये भी चीज याद रखिएगा। उसके बाद रिजर्व रेशियो क्या होती है, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द रिजर्व रेशियो। तो द परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लेबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू कीप विद RBI, ठीक है। दैट मीन्स रिजर्व रेशियो वो होती है जिसे हम वो बोलते हैं ना CRR, इज द रिजर्व रेशियो, कि अपनी टोटल डिपॉजिट्स का जितना परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक है उनको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसे हम रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। द परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू कीप विद RBI इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। आगे देखिए, द बाइंग सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज बाय RBI इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये मैंने आपको मॉनिटरी पॉलिसी में अच्छे से समझाया हुआ है।
रहता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी फेल्स व्हेन प्राइस लेवल राइसेस, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे मनी की परचेजिंग पावर, दैट मीन्स हम मनी से पहले से कम चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों हो जाए तो सिचुएशन कौन सी आती है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अच्छा ये चीज देखिए, एक होता है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन इन्फ्लेशन इज इन द डबल और ट्रिपल डिजिट्स, जब इन्फ्लेशन डबल या ट्रिपल डिजिट्स तक पहुंच जाता है तो उसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन डेवलप्स व्हेन सप्लाई कॉस्ट इंक्रीजेस। वही मैंने अभी आपको समझाया तो था कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइस हो जाती है ना, उससे जो इन्फ्लेशन आता है वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मेन कारण सप्लाई साइड होती है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मेन कारण जो है वो डिमांड साइड होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक सबको इन्फ्लेशन के बारे में सभी बेसिक टर्म्स क्लियर होगी, फिर हम आगे करेंगे फिलिप्स कर्व। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अर्पिता सिंह जी, हाँ इतने इनफ है। और कल ना मेरी एक स्पेशल क्लास भी है 11 बजे सुबह, उसमें मैं आपको इन्फ्लेशन वाला टॉपिक और डिटेल में करवाने वाली हूँ, और ये क्लास भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस क्लास के बाद कल वो क्लास भी देख लीजिए, देन जो भी इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है वो आपका इनफ होगा, ठीक है। आज की क्लास को मिला के और कल इसकी ही एक्सटेंड पार्ट जो है वो मैं कल 11 बजे स्पेशल क्लास पर लेने वाली हूँ, सो वो भी आप देख लीजिएगा, फिर आपका इन्फ्लेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए फिलिप्स कर्व की बात करते हैं। फिलिप्स कर्व, देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पता है आपको। सो दिस इज इन्फ्लेशन एंड दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और इन्फ्लेशन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो दिस इज द थिंग। तो इसके अलावा आगे देखते हैं assumptions इसकी। फिलिप्स कर्व इज ए शॉर्ट रन कर्व। ये जो नेगेटिव रिलेशन वाला फिलिप्स कर्व आप देख रहे हैं, ये एक शॉर्ट रन कर्व है, ठीक है, और स्टैटिक रहता है नेचर में। दैट मीन्स जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे प्राइस बिल्कुल स्टैटिक है, ना ही ये अडेप्टिव है, ना ही ये रैशनल है। दैट मीन्स देर इज नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन स्टैटिक। शॉर्ट टर्म में इसकी शेप डाउनवर्ड होती है, नॉन लीनियर, दैट मीन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता ये, दैट्स व्हाई इट इज नॉन लीनियर। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में बनता है, मतलब कि इस शेप में बनता है, इसके दोनों जो साइड्स है वो एक्स या वाई एक्सिस से टच नहीं कर रहे हैं, इस तरह जैसे हमारा वो ई एफ सी कर्व नहीं बनता, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, तो उसकी शेप में ये बन रहा है, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे दो पॉलिसीज आती है, एक एक्सपेंशनरी एंड एक कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या कहती है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी ये कहती है कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। सो ये दो फेसेस जो हमने अभी पढ़े थे कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और इन्फ्लेशन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व किसने दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, इसे हम ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व या अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस फिलिप्स कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज गिवन बाय फ्रीडमैन, तो अब ये देखिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आपको बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए।
नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को टोबिन ने एक नया नाम दिया है। इस नए नाम को हम बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा रेट जो इन्फ्लेशन को एक्सेलरेट ना करे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा रेट जो इन्फ्लेशन को ना बढ़ाए उसे हम नायरू बोलते हैं, NAIRU। दैट मीन्स नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इट इज द रेट एट विच एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आर इक्वल। तो ये जो नेचुरल रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसे टोबिन ने नेहरू बोला है, इस पे जो एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये दोनों इक्वल रहते हैं। एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दोनों इक्वल रहते हैं। तो इन लॉन्ग रन नो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट इन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी आपको बताया, लॉन्ग रन में तो कोई ऐसा ट्रेड ऑफ नहीं होता, एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है फिलिप्स कर्व की, क्योंकि लॉन्ग रन में लोग रैशनल हो जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लॉन्ग रन में एक्चुअल रेट अनएम्प्लॉयमेंट का और नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट का, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रिडिक्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व की एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्टेटिक नहीं होती, वो अडेप्टिव या रैशनल बन जाती है, क्लियर। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन में डिफरेंस आई तो फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो अगर एक्सपेक्टेड रेट और इन्फ्लेशन में एंड एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कोई डिफरेंस ना आए तो फिलिप्स कर्व आपका वर्टिकल बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। आगे ये डायग्राम दिख रही है आप सबको, इस डायग्राम में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दोनों दिए हुए हैं, तो हम दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 3% है एंड इन्फ्लेशन 2%, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब चीजें बढ़ती हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने का मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन यहाँ पे 2% है इतना, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से प्राइजेस बढ़ने चाहिए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से सिंपली प्राइजेस बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, तो हम ए पॉइंट से शिफ्ट हो गए बी पॉइंट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ गया। क्यों? शॉर्ट रन में स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस थी, लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी का इम्पैक्ट साफ देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन में लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, सो डेट्स वाई उस पॉलिसी का कोई इफेक्ट इकॉनमी पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब 4% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर पहले से प्रिडिक्ट कर लिया और उन्होंने हायर वेजेस की डिमांड शुरू कर दी, लेबर को पता चल गया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लेबर ने जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनसे हायर वेजेस की डिमांड शुरू कर दी, ठीक है। तो हायर वेजेस की डिमांड, तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नाउ दिस इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल, इन्फ्लेशन शिफ्ट टू 4%, दिस इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण आया। नाउ इकोनॉमी शिफ्ट फ्रॉम बी टू सी एट सेम इन्फ्लेशन रेट एंड ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फ्रीडमैन व्यू ऑन फिलिप्स कर्व इज अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम पास्ट बिहेवियर। तो वही चीज होगी ना, कि लोग पास्ट बिहेवियर को यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है, तो पास्ट बिहेवियर की प्रिडिक्शन होने के कारण ट्रेड ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा। सेम इन्फ्लेशन रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के सी पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेड यूनियन सॉरी जो लेबर है उन्होंने हायर वेजेस की डिमांड की, तो अगर वो हायर वेजेस की डिमांड कर रहे हैं तो बहुत सारा लेबर काम से निकलेगा, ठीक है, ले ऑफ होगा, लेबर काम से निकलेगा, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्यों बढ़ी है सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों ने पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। तो सी पॉइंट पर आ गए, यहाँ पे लोगों ने पॉलिसी को एंटिसिपेट कर लिया है, तो ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन वाला, दैट इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व,
ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो अभी होगा क्या लॉन्ग रन में, कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है ना, तो उस पॉलिसी के इंप्लीमेंट करने से सिर्फ इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ेगा, प्राइस लेवल पर प्रभाव पड़ेगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो उसका प्रभाव सिर्फ प्राइस लेवल पर तो देखने को मिल जाएगा, बट क्योंकि ट्रेड ऑफ नहीं है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सो देयर इज नो ट्रेड ऑफ, गवर्नमेंट के पॉलिसी इंप्लीमेंट का प्रभाव सिर्फ प्राइस लेवल पर पड़ेगा बट अनएम्प्लॉयमेंट पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई बात? बताइए। आगे देखिए टॉबिन का एंड सोलो का क्या व्यू है फिलिप्स कर्व को लेके। सबसे पहले बात करते हैं टॉबिन के व्यू की। अब टॉबिन कहता है कि जो फिलिप्स कर्व होता है ना, वो किंग द शेप का होता है, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द किंग। ठीक है, दिस इज द किंग। तो फिलिप्स कर्व किंग शेप का होता है। अब ये जो किंग शेप का फिलिप्स कर्व है, ये एक नॉर्मल कर्व से अलग नॉर्मल कर्व से ये क्यों अलग है? क्योंकि जो किंग शेप का फिलिप्स कर्व है, ये पहले पहले तो नॉर्मल फिलिप्स कर्व की तरह ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है और उसके बाद ये वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, पहले ये ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है, उसके बाद ये वर्टिकल हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में जो फिलिप्स कर्व है, ये ट्रेड ऑफ क्रिएट कर रहा है और उसके बाद ये वर्टिकल हो रहा है। सो दैट इज किंग शेप कर्व, जो टॉबिन का व्यू है फिलिप्स कर्व को लेके। आगे देखिए सोलो का जो कर्व है, सोलो का कर्व पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर वर्टिकल होता है, बट अगर इन्फ्लेशन के नेगेटिव रेट्स आ जाए, ये इन्फ्लेशन के नेगेटिव रेट्स आ गए ना, तो नेगेटिव रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर ये ट्रेड ऑफ करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर वर्टिकल रहेगा और जहां पे नेगेटिव रेट्स आ गए इन्फ्लेशन के, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो दिस इज सोलो व्यू। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? बताइए मुझे प्लीज। तो जितना हमने अभी तक किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी टू एक्सप्लेन इट अगेन। क्लियर है? ओके, तो यही क्लास का आपका सेकंड पार्ट जो है कल अनअकैडमी वाली फ्री क्लास पर होगा, सुबह 11 बजे। देखिए कल सुबह 10 बजे तो हम यूट्यूब पर मिलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज लेके। ठीक है, 10 बजे सुबह यूट्यूब पर रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज, और उसके बाद 11 बजे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पर इन्फ्लेशन, यही वाला टॉपिक इलेबोरेट करके और समझेंगे इसे थोड़ा। और उसके बाद कल शाम को 5 बजे क्लास होगी इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज की,
और आज टेक्निकल इश्यू के कारण ये क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो वो प्राइवेट कर दी है मैंने अभी। 6 बजे जो कल क्लास होगी आपकी, कल की क्लास 6 PM पर ये होने वाली है आपकी, उस पर। दैट इज क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी आई थिंक। हाँ, अब मल्टीप्लाई पर है ना, क्लासिकल तो हम कर चुके हैं ना। कल हम 6 बजे वाली क्लास में मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर ये पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेटर की जो अलग अलग टाइप्स होती हैं वो पढ़ेंगे, मल्टीप्लायर की टाइप, स्टैटिक, डायनामिक वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर दोनों चीजें, इनकी टाइप्स वो हम कल 6 बजे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी इस क्लास के बाद 7 बजे आपका प्लस पे सेशन है जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड करने वाले। तो अगर पहली बार आप मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्टली मेरा सिमर 10 कोड यूज करके आप क्लास में एंटर कर सकते हैं और सारा फ्री मटेरियल असेस कर सकते हैं, PDFs भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप। यहाँ पर मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, पेपर 1 के एंड पेपर 2 के, आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें लिए, इसके लिए आप एनरोल करेंगे, कोड लगा के 10% ऑफ लेंगे। सो अगर सेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।